दोस्तों सोशल साइट की बातें सुन सुन के ना इतनी पागल हो गई, अपना सर फोड़ लेने का मन कर रहा है। बहुत ज्यादा ये देख देख के दिमाग इतना घूम जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि ये वीडियो छोड़ के भाग जाओ या देश छोड़ के भाग जाओ। अभी अभी मेरे जैसे यूट्यूब खोला तो एक वीडियो टकरा है जिसमें 45 साल की औरत जिसके 6 बच्चे हैं एक 17 साल के लड़के से प्यार करती है। आज से 4-5 साल पहले उसके पति की सर्प के काटने से डेथ हो जाती है और उसने 17 साल का जो लड़का है उससे उसे प्यार हो जाता है। इन औरतों को ऐसा पागल कुत्ता काट गया, ऐसे समाज में ऐसे ऐसे लोग आ गए, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खोपड़ा हिल जाता है ये चीज़ें देख के। ऊपर से ये लोग पत्रकारों को बुला के अपना वीडियो बना के सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल करा देते हैं। शर्म नहीं आनी चाहिए इन लोगों को? अरे हमारे बच्चे लोग देखते हैं, सब सारा समाज देखता है सब गंद, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। 17 साल का बच्चा ऊपर से उस बच्चे को बंदी बना के अपने घर में रखी हुए काफी समय से, कहां 45 साल की बुजुर्ग औरत और 17 साल का लड़का, मतलब उस लड़के के एज की उसकी भी बेटी है। समझ नहीं आता समाज को क्या हो गया, क्यों लोगों को इस तरीके के हरकत करने पे उतारू आ गए। समाज तरक्की कर रहा, देश तरक्की कर रहा, इन लोगों के दिमाग कब तरक्की करेगा, इन लोगों की सोच में गंद कब खत्म होगी। अभी बीच में देख रही थी कुछ दिन पहले, एक जेंट्स अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करके घर ले आता है, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के बाहर फेंक देता है। अरे भाई क्यों आग लगाने में तुले हो दुनियादारी को, क्यों हमारे सबकी जिंदगियों से खिलवाड़ करते हो? आप लोगों के पास कुछ और काम नहीं होता है? अगर तुम्हें इस तरीके की हरकत करनी है अपना कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंगल हैं तो अपना लाइफ पार्टनर ढूंढिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सबको अधिकार है। कम से कम इस समाज की नजरों में, लोगों की नजरों में उस हमसफर को तो चुनिए जो आपके लायक बराबर हो। आप अपने बेटे से भी कम उम्र के बच्चे को किडनैप करके घर में रख ले रहे हो, ये क्या हो गया आप लोगों को? इतनी मतलब आप लोगों की मानसिकता इतनी नीचे कैसे गिर सकती है, कैसे इतनी गंद फैला सकते हो आप लोग? आपको ये डर नहीं लगता कि पब्लिक जिस दिन जाग गई, आजकल दुनियादारी इस हद तक हो गई, लोग अपने से अपने तक सीमित है, कोई किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं करता है, कोई किसी को मार काट भी जाता है ना सामने, दूसरा इंसान आंखें बंद करके निकल जाता है। और इसी का की वजह है आज दूसरा इंसान कुछ भी कर देता है आपकी नजरों के सामने में, आप लोग दर्शक बनकर देखते हो। दोस्तों आपके सामने में ये चीजें हो ना तो तुरंत प्लीज इन चीजों को रोकिए, कंप्लेंट करिए, पुलिस कंप्लेंट। किस लिए है पुलिस? अब तो सारा पुलिस का काम आर्मी का काम आप खुद ही कर लेते हो, और मामलों में लड़ाई झगड़ों के मामलों में जहां बात समाज की आती है, जहां बात गंदगी की आती है, तो आप लोग सोचते हैं हम क्यों पंगा लें, हम किस बात का पंगा लें, हमारा क्या लेना देना, हमें अपने से मतलब रखना चाहिए। मेरे कमेंट्स में ऐसे कमेंट आते हैं, लोग कहते हैं आप अपनी चीजों में मतलब रखो, गलत के लिए लड़ने वाली आप कौन होती है, आप कहाँ की झांसी की रानी हो, इस तरीके के कमेंट हमें आते हैं। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम कोई चीज लाते हैं ना प्रूफ के साथ लाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उंगली हम पे उठाए। कई कमेंट्स ऐसे आते, कई लोग हिदायत दे देते भाई खुले खुले, तुम होती कौन हो किसी को ब्लेम करने वाली, इस तरीके के मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते, धमकियां भरे कमेंट आते हैं। आपको पता नहीं है जिस दिन एक एक कमेंट का जवाब दे दिया ना तो आपके दादा नाना सब याद चने बेचते नजर आएंगे। इस प्लेटफॉर्म पे अपनी हिम्मत नहीं रखोगे। दोस्तों काफी हद तक मेरे कमेंट बॉक्स अब साफ हो चुका है, मेरे उसमें नहीं आते लोगों के कमेंट। कारण यही है कि मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करती और किसी को मैं दोबारा मौका नहीं देती कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके गलत कमेंट करिए, मत आइए मेरी वीडियो में। मैं हाथ नहीं जोड़ रही कि मेरी वीडियो देखो, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ आपसे मेरी वीडियो देखो। ऐसे लोगों की मेरे लाइफ में और मेरे वीडियो में, मेरे समाज में कोई जगह नहीं होती है और मैं उसको खुलेआम विरोध करती हूँ। बिल्कुल क्लिक मत करिए मेरे वीडियो को, आप जैसे लोगों के लिए मेरे वीडियो नहीं बने। आप होते कौन है किसी को ब्लेम करने वाले, आपकी हिम्मत कैसे होती है दूसरों पे इस तरीके के सवाल उठाने की? आप जो सही काम करता है उसे खुलेआम मुंह के सामने में ताने मार देते हो, आपको लगता है ना सही बोल रहा है, मतलब विरोध नहीं कर रहा, तो हम कुछ भी हमारे बाप दादा की जागीर है और ये हमारी सुन लेगा, और जो गलत गंद फैलाता, तो आप ये सोचते हो कि इंसान इस हद तक गंदगी तक कर सकता है तो ये शायद कुछ और गलत भी कर देगा। इसी डर से, आपके इसी डर ने आज समाज को गंद में धकेल के रख दिया।
मेरे घर के इर्द गिर्द मैंने ऐसे ऐसे मामलों को रोका है। मेरे पुलिस क्वार्टर की मैंने कहानी बताई थी, एक पुलिसकर्मी की पत्नी ने ऐसा किया था तो मैंने सीधे अधिकारियों को फोन करके बुलाया था। किसकी हिम्मत नहीं है कई किलोमीटर तक, अगर उन्हें पता चलता है कि उसका घर वहां पे है तो यहां से कई किलोमीटर तक लोग सोचते हैं अगर हम ये करेंगे तो पता नहीं उन्हें पता चल गया क्या होगा। और ये हमने इज्जत अपनी किसी से भीख में नहीं मांगी है, कमाई हुई इज्जत। हम कभी गलत नहीं करते तो गलत को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी के बाप की हिम्मत नहीं हमारे गलत को रोकने में जो हमें गंदे कमेंट्स करे। ऑलरेडी जो इन्होंने मुझे गलत कमेंट्स करे बहुत दूर दूर तक सफाया कर चुकी हूँ, किसी का आया नहीं है कई महीनों से गलत कमेंट, क्योंकि वह जानते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। हम आपके खिलाफ कोई स्टेप नहीं लेते, इसका मतलब आप हमें मजबूर लाचार समझते हो। और इन औरतों से मैं कह रही हूँ आपके जीने का रास्ता, क्या आपके हाथ पैर टूट गए, पांच पांच छह छह बच्चे पैदा करने की हिम्मत रखती हो और दूसरे के 17 साल के बच्चे को किडनैप करके रख ले रही हो, पति के रूप में रख रही हो। अरे कोई विधवा विधुर कोई ऐसा बेसहारा होगा ही जिसका आप सहारा बनो, आपके बच्चों का सहारा बने? किसी के बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मतलब उस महिला पे तो शर्म भी नहीं, शर्म बेच के खा के आ गई है। छह छह बेटियां बच्चे उसके अपने खड़े हैं, दूसरा उसने किसी का बच्चा किडनैप कर रखा है 17 साल का बच्चा। सोचिए दोस्तों क्या मानसिक प्रवृत्ति होगी ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को तो जीने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए जो इस तरीके की मानसिकता रख के हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या कहूँ, बहुत दिमाग खराब होता है जब ऐसे लोगों को देखती हूँ, ऐसे लोगों की बातें सुनती हूँ जो गलत को इतना ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं और सही के लिए बिल्कुल मुंह में अपना कफ जमा के बैठ जाते हैं, मुंह में ऐसा लॉक लगा लेते हैं कि उनका मुंह जैसे गूंगे बहरे हो गए होंगे, उसके खिलाफ कभी बोलने की हिम्मत नहीं करते। बहुत मेरी बहनों को मुझे कमेंट आ रहे हैं, लाइव में भी मुझे बोल रहे हैं कि हमें आपका नंबर चाहिए, तो मैं उसके लिए फिर एक बार कहना चाहती सॉरी मैं नंबर नहीं दे सकती है। और नंबर फोन नंबर तो मेरे पास कई है, मैं दे नहीं सकती क्योंकि मेरा लोकेशन ट्रेस होती है। इस वजह से आप समझिए इस बात को, अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं अपने किसी फेक आईडी से, आप मुझे कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं, जो नंबर आप मैसेज यूज ना करें उस नंबर के माध्यम से मैं आपको आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँगी, आपकी समस्या आपकी कहानी रख दूंगी। तो प्लीज़ दोस्तों सॉरी, इसके लिए मुझे माफ़ करें कि मैं अपनी अपना नंबर आपको नहीं दे सकती हूँ। आप जानते हैं कितनी अभी सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट हुई थी, कितनी समस्याएं हुई थी, कई लोगों ने मुझे धमकी दिए थे, कई लोगों ने मुझसे मेरा नंबर मांगा था और अलग तरीकों से भी मांगा था। उन्हें लगता था मैडम हमें पहचानेंगी नहीं। देखिए मैडम आपके दिमाग के पुर्जे पुर्जे को पढ़ लेगी, मैं एक साइकोलॉजी की टीचर रह चुकी तो माइंड कैसे लोग डाइवर्ट करते और कैसे माइंड को कैच करते वो सब चीज़ें मैं आपकी शक्ल देख के बता सकती हूँ। इसलिए मुझे ये हल्के में लेने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे, मेरी उन बहनों का मेरे भाइयों का इतना प्यार मिला कि ऐसे गलत लोगों की मेरे लाइफ में कोई जगह ही नहीं है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया और आगे को आप देखना चाहते हैं कि मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे और वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ मैं आपको जो रियल मेरी जो घटना है मैं सॉल्व करती हूँ, जो घटना है मेरे पास आती हैं ऑलरेडी जिनकी मैं हेल्प करती हूँ उन्हीं के बारे में बताती हूँ। तो अगर आपकी भी समस्या है तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि दोबारा मैं वीडियो डालूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दिल से आप लोगों का धन्यवाद।